हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे गेट के एक क्वेश्चन जो आपके ओएस के ऊपर आया हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम के। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन से टॉपिक पे है ऊपर? डेडलॉक। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है जो हम लोग आज देखेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया है, फर्स्ट सबसे पहले देखिए, देयर इज 10 प्रोसेस एंड 31 इंस्टेंस ऑफ रिसोर्सेज। इफ़ इच रिसोर्स नीड 4 इंस्टेंस ऑफ द रिसोर्सेज, दिस कुड लीड टू डेडलॉक। डेडलॉक विल नेवर ऑकर, डेडलॉक माइट ऑकर, नन ऑफ दोज। तो ये चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा? यहाँ पर क्या दिया गया है, 10 प्रोसेस दिया गया है, जिसका इंस्टेंस क्या है, हम लोगों का अवेलेबल इंस्टेंस है 31, एंड ईच एंड एवरी प्रोसेस नीड 4 इंस्टेंस। अगर पूरा प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, सीपीयू से एग्जीक्यूट होकर बाहर आने के लिए मिनिमम 4 इंस्टेंस उनको एक एक प्रोसेस को लगेगा। तो अगर हम लोग ऐसे निकालेंगे कि 10 प्रोसेस है, ईच एंड एवरी वन प्रोसेस को लगेगा 4 इंस्टेंस, तो हम लोगों को मैक्स टू मैक्स कितना प्रोसेस लगेगा, 40 मिनिमम हम लोगों को मैक्स टू मैक्स प्रोसेस इंस्टेंस रिसोर्स के लिए हम लोगों को मिनिमम मैक्सिमम 40 लगेगा ही लगेगा, मैक्सिमम 40 हम लोगों को लगेगा ही लगेगा। बट यहाँ पर अवेलेबल कितना है, देखिए क्वेश्चन में दिया गया है 31, ओनली 31 अवेलेबल है। तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग ये लेते हैं प्रोसेस, 10 प्रोसेस ले लेते हैं। ये आप लोगों को समझाने के लिए है, इसका एक छोटा शॉर्ट फॉर्म भी है, वो भी मैं आपको बता दूंगी। सबसे पहले हम लोग प्रोसेस ले लेते हैं, क्योंकि देखिए गेट के यहाँ पर जब हम लोग कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वहाँ पर हम लोगों को एनफ टाइम होता है एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ के उसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि यूजीसी नेट की तरह नहीं है कि इसमें बहुत सारे लेंथी क्वेश्चन आते हैं बट वहाँ पर टाइम कम दिया जाता है। बट यहाँ पर गेट में ऐसा नहीं है, अगर आप अच्छे से सॉल्व करोगे तो ये बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखिए यहाँ पर प्रोसेस P1 टू P10 टोटल 10 प्रोसेस हम लोग लिए हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखिए, सबके लिए एक प्रोसेस को पूरा एग्जीक्यूट होकर बाहर निकलने के लिए मिनिमम 4 इंस्टेंस रिसोर्स लगेगा, जहाँ पर हम लोग इसमें 4-1 कर देते हैं, मतलब मिनिमम हम लोग एक सबको 3-3 करके दे देते हैं। अगर इसको 3, इसको 3, हर एक को 3 देते हैं तो क्या होता है, देखिए सबको मिनिमम 3 देते हैं तो हम लोगों के पास अभी कितना प्रोसेस रहेगा, 3 × 10 प्रोसेस के लिए एक एक को 3-3 दिए हैं हम लोग, तो 30 हम लोगों ने हर एक प्रोसेस को 30 इंस्टेंस हम लोग रिसोर्स दे चुके हैं। तो अभी हम लोगों के पास कितना है, 31 − 30 = 1, सो हम लोगों के पास अभी भी एक रिसोर्स है। देखिए उसी एक को अगर मैं यहाँ पर P1 को दे देती हूँ तो क्या होगा, P1 एग्जीक्यूट होकर बहार निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 और 1 = 4, टोटल 4 हो जाएगा इसका। तो अभी जब P1 एग्जीक्यूट होकर बाहर निकल आएगा तो अभी मेरे पास अवेलेबल कितना है, 4, तो उसी 4 को हम लोग हर एक प्रोसेस के लिए, 4 प्रोसेस के लिए अगर दे देते हैं तो यहाँ पर वो भी एग्जीक्यूट होकर ईजिली बाहर आएगा, ये भी होगा, ये भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, एंड प्रोसेस 5 भी एग्जीक्यूट होगा। अभी जब भी एक एक प्रोसेस जब भी एग्जीक्यूट हो जा रहा है तो बाकी हम लोगों के पास अभी अवेलेबल हर एक प्रोसेस हो जाएगा, इसका 4, इसका 4, इसका 4 एंड इसका 4, तो अभी 16 मेरे पास अवेलेबल है। तो इसमें भी हर एक को एक 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 करके हम लोग अगर दे देते हैं तो हर एक प्रोसेस इजीली एग्जीक्यूट हो जा रहा है। हम लोगों को ये बताना है कि यहाँ पर डेडलॉक होगा या नहीं, वही चेक करना है। तो अगर हम लोग एक एक प्रोसेस को 3-3-3-3 करके देते हैं और लास्ट में जब एक प्रोसेस रहेगा, एक रिसोर्स रहेगा, उसी रिसोर्स को हर एक प्रोसेस में से किसी एक को, ऐसा नहीं है कि P1 को ही देना होगा, अगर मैं चाहूँ तो P10 को भी दे सकती हूँ, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन।
तो अगर दे देते हैं तो वो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाता है। जब भी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाता है, और जो रिसोर्स को होल्ड करके रखा है वो सब रिसोर्स को रिलीज कर देता है। तो बाकी रिसोर्स को हम लोग हर एक दूसरे प्रोसेस के लिए दे सकते हैं, ताकि वो एग्जीक्यूट होकर रेडी क्यू से बाहर निकल आ जाए। तो यहाँ पर हम लोग इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डेडलॉक विल नेवर ऑकर, मतलब यहाँ पर डेडलॉक होगा ही नहीं। क्योंकि ऐसा डेडलॉक के लिए हम लोगों को क्या लगता है, देखिए अगर मैं हर एक प्रोसेस के लिए चार चार को चार चार करके दे देती हूँ, मतलब P1 प्रोसेस को चार, तो हर एक प्रोसेस को हम लोग चार दे देते हैं, तो हम लोगों को मिनिमम 40 लगेगा। बट अगर मैं ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर सकूँ जहाँ पर मुझे डेडलॉक होने के लिए कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है, तो हम लोग ये सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। हर एक प्रोसेस को तीन तीन मिनिमम जो इसको रिक्वायरमेंट है उसको हम लोग तीन तीन करके दे सकते हैं, बाकी एक रिसोर्स रहेगा तो वो हम लोग दूसरे प्रोसेस को दे सकते हैं एग्जीक्यूट होने के लिए। क्योंकि एक तो रहेगा, ताकि एक अगर रहेगा तो अगर यहाँ पर 30 होता तो प्रॉब्लम होता, अगर 30 होता तो यहाँ पर हम लोग इसको नहीं बोल सकते कि डेडलॉक विल नेवर ऑकर, माइट भी डेडलॉक ऑकर हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर 31 दिया गया है, इसीलिए यहाँ पर कोई डेडलॉक नहीं होगा। ऐसा कुछ ट्रिकी क्वेश्चन हम लोगों के गेट पे आ ही जाता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आए तो कैसे इसको सॉल्व करना है। ये बहुत ही इजी टॉपिक है, अगर अच्छे से समझ लेंगे तो इसको ईजीली आप कर सकते हैं। इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है देखिए, तो जैसे कि प्रोसेस कोई भी दिया गया है, यहाँ पर देखिए प्रोसेस दिया गया है 10, एंड हर एक प्रोसेस के लिए मैक्सिमम कितना 4 लगेगा। तो हम लोगों को क्या करना है, हर एक प्रोसेस को जैसे 10 प्रोसेस है और मैक्सिमम -1 करेंगे तो क्या लगेगा, मिनिमम आप लोगों को 3 लगेगा। तो उसी को मतलब यहाँ पर अगर 4 की जगह हम लोग n मान लेते हैं, तो n माइनस 1 करेंगे तो उसका जो आंसर होगा वो इनटू प्रोसेस के साथ पी इनटू एक्स करेंगे, जो आंसर आएगा उसको हम लोग पहले चेक करेंगे, +1 करेंगे, अगर उतना आया तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये प्रोसेस में कोई भी डेडलॉक ऑकर नहीं होगा। मतलब क्या है देखिए, यहाँ पर 10 की जगह अगर आपका 100 होता और यहाँ पर 301 होता और ये 4 ही रहता तो क्या होता, 100 इंटू 4 माइनस 1 इक्वल टू 3, तो हम लोगों के पास क्या होता, 300 +1, तो मिनिमम हम लोगों को क्या चाहिए, 301। तो यहाँ पर देखिए मिनिमम 301 प्रोसेस इंस्टेंस रिसोर्स हम लोगों को दिया गया है, इंस्टेंस ऑफ ए रिसोर्स दिया गया है, तो हम लोग बोल सकते हैं डेडलॉक विल नेवर ऑकर। ये कुछ शॉर्ट ट्रिक है जो आपके गेट के क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहो तो ये मैंने पूरा प्रोसेस P1, P2, P10 करके ऐसे लिखा है ताकि आप लोगों को समझ में आए, क्योंकि हम लोगों को हर एक एंगल से देखना होगा कि ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। और अगर आप क्योंकि ये आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए है, लेकिन गेट में इतना टाइम लगेगा नहीं, ये आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक बता दिया है, ऐसे आप अगर सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत ही ईजी होगा। तो आज इतना ही, आई होप मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है इस क्वेश्चन को। फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आए तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आप लोगों की क्वेश्चन प्रॉब्लम को पूरी तरह से सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।